अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जानवी, जानवी कहाँ है? हेलो जानवी, जानवी कहाँ है? कहीं उसको क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? किसका फोन था? कुहू? भाभी आप जानवी कहाँ है? अब वो तो सो रही है। अब भाभी वो सो रही है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो उठे ना तो उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा, और उठ जाए तो हमको बुलाइएगा, हमको बात करना है। कहो आप इतना परेशान का ही है? नहीं नहीं, हम परेशान कहाँ हैं? झूठ बोला आपने हमसे? हाँ कहाँ है जानवी? भूमि हम कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है जानवी? मुझे नहीं मालूम भाभी। जा रही हूँ दोस्तों के साथ गोवा। पापा से नहीं बोलना, वैसे भी वो मना ही कर देंगे। मेरी अच्छी दीदी, मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो तुम कुछ बहाना बना देना। मम्मी का दीदी, प्लीज प्लीज, लव यू जानवी। भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता, जब तक ये चिट्ठी मुझे मिली जानवी यहाँ से जा चुकी थी। कौन सा बात हुआ? माने उनके दोस्तों से फोन पे बात हुआ? माने वो दोस्तों के साथ ही गई है ना? भाभी मैं जानवी को फोन की थी लेकिन फोन ऑफ आ रहा है। आप प्लीज पापा से कुछ मत कहिएगा वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है कि कितना खतरा है? कैसा खतरा? को भाभी हमको फोन आया था, तारामती का केस वापस नहीं लिया तो जानवी को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए को भाभी प्लीज। कहीं जानवी वो लड़का के साथ तो नहीं निकल गई? कौन लड़का? किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? कहाँ है जानवी? कुछ पूछ रहे हम? कहाँ है जानवी और कौन है वो लड़का? कुछ छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? एक वो लड़का था, माने जानवी हमको बोली थी, वादा भी की थी कि वो ना मिलेगी ना उनसे बात करेगी। हम समझा दिए थे साहब। चलिए तुम्हारा दिमाग ठीक कहाँ जाएगा हमारे साथ? क्या नाम है आपका? रवि। और आपके क्या लगते हैं? और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चाचा जी हम सब समझा दिए थे, वो समझ भी गई थी। जानवी की जिम्मेदारी ली थी तुमने? ये तरीका है घर की एक नाबालिग लड़की की जिम्मेदारी उठाने का? धोखा दिया है तुमने मुझे को। आज वो धरिंदा राजन वर्मा मेरी बेटी जानवी के पीछे पड़ा हुआ है, केवल तुम्हारी वजह से। कहाँ है मेरी बेटी जानवी? कहाँ है जानवी? चाचा जी, जानवी, चाचा जी सुनिए तो सही। क्या बात है बानू, भाई इतना परेशान क्यों है? दादा वो जानवी ना बताया दादा। क्या? जानवी लौट आएगी चाचा जी।
जानवी को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगी। चुप! आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में। शायद इस समय वो उस दरिंदे राजन वर्मा की कैद में है। उसका फोन आया था मुझे, बोला उसने मुझे कि वो मुझे तबाह कर देगा। गई कहाँ थी? मड़का बाबू, किसी का फोन आया था कि तारामती का केस वापस लो, नहीं तो हम जानवी को नुकसान पहुंचा दूंगा। बाबा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। दादा, हमें वो केस वापस लेना होगा सीधा, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा। दादा, मैं जानवी की माँ को खो चुका हूँ, अब जानवी को नहीं खोना चाहता। मैंने आज तक कभी कोई गलत का साथ नहीं दिया दादा, कभी कभी नहीं। मैं जानवी को नहीं खोना चाहता। चिंता मत कर, वो हो सकता है सब करेंगे, कुछ नहीं होगा, बच्चे घर लौट आएगी, चिंता न कर तू। हाँ भानु, कुछ नहीं होगा जानवी को, जानवी एकदम ठीक है। पर ये तो तारामती चाची के साथ अन्याय होगा ना। ये अन्याय का वक्त नहीं है, घर के बच्चे की जान खतरे में है। अभी बाबा सही कह रहे हैं। सही? दादा, हमें केस अभी वापस से लेना होगा, और हमें राजन वर्मा की रिहाई के लिए कुछ न कुछ करना होगा दादा, अभी इसी समय। जानवी को बचाना, जानवी को बचाएंगे दादा। चला मेरे साथ, कुछ नहीं होगा जानवी को, कुछ नहीं होगा जानवी को। सब गलत हो रहा है, आप सब गलत कर रहे हैं। क्यों रे बचवा, सब प्लान ठीक चल रहा है ना? जीताओ जी, जैसे जैसे गोटी बिठाए हैं वैसे वैसे खेला चल रहा है। गुड बॉय, देव नारायण चंदेल की जान का पंछी अब राजन वर्मा के पिंजरे में कैद है। क्यों रे देव नारायण, कैसा लग रहा है? तारामती का केस वापस लेने की तैयारी करो, और उससे पहले ये राजन वर्मा की बेल के पेपर तैयार करवाओ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? दुष्ट के सामने घुटना टेकने से ना आपका नहीं जीत उनका होगा, और यही तो वो चाहते हैं। इस मसले में मत पड़ो तुम। बड़का बाबू, आप बोले थे ना कि ये चंदेल परिवार में बड़की बहू फैसला लेती है। बड़की बहू होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम करेंगे कुछ, बस समय दीजिए हमको। बड़ी बहू नहीं हो तुम। बाबा, राजन वर्मा की बेल हम करवाएंगे। जानवी को घर पे लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे हम। लाएंगे जानवी को, लेके आएंगे। तुम मेरे को कहाँ लेकर जा रही हो? तो झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बना रही है ना। पर उसके पहले तुमको मेरे को सबूत देनी होगी, अगर है तो दिखाओ मेरे को रिपोर्ट। पिछले ही हफ्ते क्लाइंट आई थी मेरे पास। बताओ बताओ, किसने दिखाई थी? ये देखिए, कला नाम है इसका, और ये रही इसकी असली रिपोर्ट। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10 बजे। एक बात ना तुम कान खोलकर सुन, ना तो तुम बहू हो और ना ही पत्नी, कुछ नहीं हो तुम, ना हमारी ना इस घर की। तो इस परिवार के मामले में ना दखल अंदाजी करना बंद करो। पर हम क्या करें, आप बूझ तो लीजिए राजीव बाबू, राजन वर्मा गलत आदमी है, उसके आगे तुम सुन नहीं रही हो कि हम कह क्या रहे।
कुछ नहीं लगती हो तुम इस परिवार की। दूर रहो हमारे घर के मामलों से। और ये जो जानवी की हालत हुई है ना, तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ तो गलत कदम उठाने से सही नतीजा नहीं निकलता है ना, तुम गुनेगार के आगे घुटना टेकेंगे। अरे टेकेंगे टेकेंगे घुटना उसके सामने, हम टेकेंगे घुटने, क्योंकि वो बहन है हमारी। और खोखले आदर्शवाद में नहीं मानते हम, और हमारी बहन की जान के आगे ना कोई उसूल मायने नहीं रखते। और तुम्हारी तरह ना निर्लज भी नहीं है हम कि अपने रिश्तों की आहुति महानता की झूठी वेदी पे हम चढ़ा दे। खुदगर्ज नहीं है तुम्हारी तरह। अरे हमारा एक परिवार भी है। माने जिसका परिवार नहीं उसको न्याय का हक नहीं। तारामती चाची ना खुदगर्ज नहीं है, वो तो आपको। राजीव को किसने आंख दी है इसकी जानकारी राजीव को नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा कानून में भी एक नियम है कि डोनर का नाम मरीज को नहीं बताया जाता। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। बाहर रहो हमारे घर के मसलों से। ना तो कोई रिश्ता और ना ही कोई उसूल। हमारी बहन की जान के आगे ना इसका कोई मतलब नहीं है, समझी? अब हम वो करेंगे जो हम करना नहीं चाह रहे थे। हम तो आपके दिल में हैं, और अभी ना सही तो कम से कम कुहू तो निकल गई आपके दिल से। जल्दी ही हम फिर वहां होंगे। तीर निशाने पर लगा है इस बार आपके दिल पे। आप ठीक कहते थे, ये परिवार में ना हमारा कोई नहीं है। आप हमसे आके मिल सकते हैं? आ रहे हैं को, आ रहे हैं तुमसे मिलने। देर से ही सही, हमारी बात तो समझ में आई तुम्हें। आ रहे हैं तुम्हें बचाने। बाबा हमने हमेशा न्याय का साथ दिया, क्या आज जो हम करने जा रहे वो सही है? अपनी बहन को सुरक्षित रखना सही। चलो दादा चलो। बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? सही सही, हमारी बात तो समझ में आई तुम्हें। ये चंदेल परिवार तुम्हारे लायक नहीं है को। चंदेल परिवार को आप कितना जानते हैं वो तो और बात है, लेकिन एक बात तो हम समझ गए कि आप हमको नहीं समझते। क्या मतलब? मतलब ही हमारे बुलाने पे आप यहाँ आ गए। माने आपको लगता है कि हम आपके साथ हैं,
और चंदेल परिवार के खिलाफ है। जिसका मतलब यही ना कि आप हमको नहीं समझते। हम चंदेल परिवार के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकते अवधेश बाबू। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों बुलाया हमें यहाँ? इसलिए क्या कर रही हो तुम? इधर तो कोई भी नहीं है। माता, आपकी तबीयत ठीक है? दादा, दादा आप ठीक हैं? हाँ, वो सर सरदर्द सरदर्द वो सरदर्द हो रहा है हमको। डॉक्टर के पास चलो। तुम गोली चलाओगे हम पर? हिम्मत है तुम में? सर अजी, राजन वर्मा की बेल करवाने आए। तंग आ गया है पूरा परिवार आपसे, बहुत नुकसान पहुंचा दिया, अब और नहीं। ठीक है सर, मैं राजन वर्मा को बाहर निकलवाता हूं। सिंह, लॉकअप से राजन वर्मा को निकाल कर लाओ। सर, ये रिलीज डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत चाहिए आपके। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अभी लग जाती तो। पहला बार बंदूक चलाए हैं, गोली बहुत दूर नहीं गया, ठीक आपके पीछे। चला, एक गोली और चला, मार दो। वैसे भी हमारी बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं। आप हमको बोले कि चंदेल परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप चंदेल परिवार के लायक नहीं है। ये परिवार कहाँ नहीं किया आपके लिए, और आप उनके ही दुश्मन के साथ जाके मिल गए, वो राजन वर्मा के साथ हाथ मिला लिए और अपनी बहन जानवी को खतरे में डाल दी, उसकी जान खतरे में डाल दी है आप। जानवी, क्या क्या हुआ जानवी को, क्या हुआ उसे? राजन वर्मा जानवी को अगवा कर लिए। क्या धमकी दिए कि अगर तारामती चाची का केस वापस नहीं लेंगे ना, जानवी का जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, पूरा परिवार गया है, सब गए हैं थाने उनको जेल से छुड़वाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। राजन वर्मा की बेल नहीं होनी चाहिए, बहुत भारी पड़ेगा कबू। मैंने तारा मंत्री का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। जान से मत, ये भोलेनाथ
पापा ने राजन वर्मा को जेल से निकलने से रोकना होगा। राम राम देव बाबू। बात है जस साहब, हमका लॉकअप में पहुंचाने नहीं आए थे लेकिन लिवाने चले आए हो। नहीं गुड है, बहुत ही गुड है। भैया जल्दी चलाइए, जल्दी चलाइए, जल्दी पहुंचना है हमको। हे भोलेनाथ, राजन वर्मा को जेल से निकलवाने से पहले रोकना होगा। इस पर आपको भी दस्तखत करने होंगे राजन वर्मा जी। वैसे हार और शिकस्त का मुद्रा तुम पर बहुत ही जच रहा है। बकवास बंद करो और चुपचाप दस्तखत करो। और जानवी कहाँ है ये बताओ हमको। ज्यादा उत्तेजित ना हो बबुआ, तुरंत बाहर जाओ, गाड़ी में बैठो और पहुंचो निर्मल चौक। वहां गोदाम है, गाला नंबर 66। हुआ है तुम्हारी बहन, जल्दी करो। चाचू, हम बाबा के साथ रुकेंगे। हम संजीव के साथ जानवी को लेकर आते। जाइए। हर पन्ने पर दस्तखत करना जस साहब, जरा देखना कोई पन्ना छूट ना जाए। और जस साहब, हमको एक चीज तो तुम दिया ही नहीं। क्या? रिहाई और आजादी का मुबारकबाद। Currently not reachable. राजीव बाबू का फोन कहीं नहीं लग रहा है, फिर से देखते हैं।